मैंने किसी तरह से सीक्रेटली, जो कि अलाउ नहीं है, मैं अलाउ नहीं करूँगा, लेकिन मेरे से रहा नहीं गया। मैंने कहा यार आया हूँ तो अंदर थोड़ा तो कैप्चर करके जाऊँगा। अंदर सीक्रेटली मैंने वीडियो बना ही लिया आखिरकार, चुपचाप एकदम शांत तरीके से वीडियो बनाया मैंने। ताजमहल अगर आपको आना है घूमने के लिए, तो ताजमहल अगर आपको आना है घूमने के लिए, आप सुबह 6 बजे से इसकी एंट्री चालू हो जाती है और शाम के 6 बजे तक रहती है। तो मैं सजेस्ट करूँगा जितनी सुबह आ सकते हैं उतना बेटर है। और आगरा घूमने का सबसे बेस्ट वेदर मैं बोल सकता हूँ कि आप अक्टूबर से मार्च के महीने में आइए। आगरा बहुत ही अच्छा है क्योंकि मौसम बहुत अच्छा रहता है। मई जून में क्या होता है, मौसम बहुत गर्म हो जाता है, तो आप अर्ली मॉर्निंग या तो घूम सकते हैं या तो शाम के वक्त में घूम सकते हैं। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि जितनी जल्दी आप आ सकते हो उतनी जल्दी आइए, क्योंकि टूरिस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे टूरिस्ट बढ़ते चले जाएंगे और थोड़ा भीड़ रहेगा। तो अभी आप घूमेंगे तो आपको थोड़ा खुला खुला मिलना। जैसे मैं मॉर्निंग का आया हूँ, मुझे हालांकि लेट हो गया, मुझे आना तो सुबह 6 बजे, लेकिन मैं 9 बजे यहाँ पहुँचाऊँ, अराउंड 9:30 बजे यहाँ पहुँचाऊँ। लेकिन यार ये ताजमहल के पास से गुजरते हुए एक एक छोटी छोटी नक्काशी देख रहे ना, बहुत ही प्यारी। ताजमहल के बारे में एक और बात बताऊँगा आपको, ये इंडिया के नो फ्लाइंग जोन के ऊपर आता है। अगर आप गूगल मैप में भी जाओगे ना तो ऊपर से आपको कुछ नहीं दिखेगा, मतलब नो फ्लाइंग जोन इसको किया गया है। प्लस इसके ऊपर से कोई जहाज़ नहीं गुजर सकती क्योंकि हेरिटेज साइट है यूनेस्को की। और ऐसा नहीं हर हेरिटेज साइट में नहीं ऐसा होता है, लेकिन ताजमहल के लिए स्पेशली, क्योंकि ये एक कह सकते हैं इंडिया का कोहिनूर, इंडिया का कोहिनूर हमारे पास है ताजमहल के रूप में। यहाँ पर सर यहाँ पे एंट्री है ना, जा सकते हैं ना यहाँ पे? मतलब वही मैं पूछा, एग्जिट हो रहा है? नहीं एग्जिट है, इसलिए पूछा आपसे कि एग्जिट है। तो जाने के लिए वापस घूम के जाना पड़ेगा, उधर से जाना पड़ेगा? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, थैंक यू। तो हुआ क्या, हम एग्जिट पॉइंट पे आ गए और वहाँ पे पुलिस वाले से बोल रहे थे भाई एंट्री करवा दो, पुलिस वाले बोले ये एंट्री नहीं, एंट्री उधर। वापस हमें पूरा ताजमहल राउंड मार के वापस उधर जाना पड़ेगा, उधर से देखते एंट्री करेंगे, हमने जिसका पास लिया है। यहाँ देखते हैं, यहाँ से लोग झांक के देख रहे हैं क्या एग्जैक्टली, एक मिनट को। अपने शूज कवर कर रहा हूँ, यहाँ अलाउड नहीं है। क्यों शूज कवर करना है? यहाँ अलाउड नहीं है, क्योंकि अंदर जाने के लिए आपको अलाउड नहीं है। और ये 10 रुपये का आपको मिलता है, यहीं पर आप आएंगे 10-10 रुपये का आपको मिल जाएगा, अंदर अलाउ नहीं है। और अभी दूसरा जूता कवर और इसको पहन के हम अभी अंदर की तरफ जाएंगे। तो हमारी अंदर एंट्री हो चुकी है, मतलब अंदर की तरफ हम जा रहे हैं अभी धीरे धीरे, और मकबरे की तरफ कह सकते हैं, मकबरे की तरफ, जिसमें आपको 200 रुपये लगते हैं पर पर्सन के लिए। ये आ गए ताजमहल मेरे पीछे, हम आ गए वो 200 रुपये वाली जो एंट्री बोला था उसको लेकर, और ये ताजमहल के एकदम करीब, एकदम करीब, मतलब एकदम इसके अंदर अभी हम जाएंगे। इसके अंदर मकबरा है, ताजमहल को चारों तरफ से देखेंगे, चारों तरफ से एक ही जैसा है पूरी, मतलब अब किधर से भी देखोगे ना सब सारे गेट एक जैसे दिखते हैं। अगर आप ताजमहल को देखेंगे ना तो पत्थरों में उर्दू में लिखा हुआ है बहुत सारी चीज़ें, मुझे जो पढ़ना नहीं आता उर्दू या अरबी जो भी है, ठीक है, काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं। कहते हैं एक और बात कि इसमें हीरे और जवाहरात भी लगे हुए थे एक टाइम पे, लेकिन जब अंग्रेज आए और उन्हें हमारे देश को लूटना शुरू किया तो सबसे पहले उनकी नज़र ताजमहल पे पड़ी और उन्होंने जो पत्थर है ना संगमरमर के पत्थरों में जिसमें हीरे जवाहरात रखे हुए थे वो लेकर चले गए। ये तो लेकर गए कोहिनूर लेकर गए, लेकिन मैं वही कहता हूँ ना कोहिनूर लेकर जा सकते हैं, लेकिन असली कोहिनूर जो हमारे पास हिंदुस्तान में वो यहीं पर है, अभी भी है, इधर है, आप देख सकते हैं इसको। वो जो दूर में दिख रहा है ना, वो जो दूर में वहाँ पर उस जगह पे शाहजहाँ को कैद कर दिया था औरंगजेब ने, उधर से वो झांक कर इधर देखा करते थे। बहुत ही अमेजिंग फीलिंग आ रही है यार ताजमहल के पास घूमते हुए, अलग लेवल लग रहा है।
आया तो हूँ पहले भी ताजमहल, लेकिन बाहर ही से देख पाया था क्योंकि लास्ट टाइम आया था किसी मूवी के रेकी पे आया था और बाहर ही से देखना हुआ था ताजमहल। लेकिन अभी अब मैं अंदर एंट्री करूँगा ताजमहल के, और अभी जैसे कि पता चला कि ये पत्थरों में जो कुरान के आयतें हैं, पढ़ना तो आता नहीं तो मैं आपको पढ़ के बता देता, लेकिन एक अलग एहसास है, अलग फीलिंग है ताजमहल को लेकर। कितनी भी कॉन्ट्रोवर्सी हो जाए, भले इसको हम ताजमहल बोले या तेजो मंदिर बोले या शिव मंदिर बोले, जो भी बोले, तो अंदर मैं फ़ोटो खींच नहीं सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ़ोटो अलाउ नहीं है, तो जो भी है मैं चीज़ें यहीं से दिखा सकता हूँ। अंदर जाऊँगा मैं खुद मैं फीलिंग लूँगा अंदर जाके, और फिर मैं बाहर आके आपको बताऊँगा कि मुझे कैसा फ़ील हुआ, कैसा एहसास हुआ अंदर जाके। तो अब मैं जाता हूँ अंदर की तरफ। यार आया हूँ तो अंदर थोड़ा तो कैप्चर करके जाऊँगा। अंदर सीक्रेटली मैंने वीडियो बना ही लिया आपके कार चुपचाप एकदम शांत तरीके से वीडियो बनाया मैंने, छोटे छोटे क्लिप में, चंद में, क्योंकि वहाँ पुलिस वाले थे जो कैमरा मेरा छीन भी सकते थे। तो बहुत ही माइनर है, बस दिखाने की कोशिश की भाई अंदर कैसा है, बस आप उसको फील कर लीजिए। मैं वहाँ पे जब भी ये वीडियो एडिट होगा तो मैं वहाँ पे पॉज कर दूंगा कुछ सेकंड के लिए कि आप देख पाएं कि एग्जैक्टली अंदर कैसा है, और बस आप भी फीलिंग ले लीजिए। आज तक किसी ने नहीं बनाया अंदर वीडियो, मैंने बना के दिखाया वीडियो अंदर। तो अब हमारे यहाँ से जाने का वक्त आ चुका है। ये था हमारा ताजमहल। इसके बाद हम जाएंगे जहाँ पर औरंगजेब ने शाहजहाँ को कैद किया था, यानी कि फोर्ट जाएंगे, आगरा फोर्ट जाएंगे यहाँ से। तो अगला आगरा फोर्ट की तरफ हम जा रहे हैं। वो जो गेट देख रहे हैं ना, वो गेट से हम लोग आए थे, और वहाँ से एंट्री किया। वहाँ पे आपका स्टार्टिंग में 50 रुपये एंट्री लगता है। आप एंट्री करेंगे, एंट्री करने के बाद आप धीरे से फिर अंदर आएंगे। अंदर आने के बाद आपको इधर आना है, मेन जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे 200 रुपये एंट्री लगता है, अंदर आ जाएंगे। और अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं, मैंने किसी तरह कर लिया। भाई सीन ये हो गया कि हम लोग ताजमहल के बाहर निकले और मैंने कैमरा का बैग बॉबी को दिया था, और बॉबी ने कैमरे का बैग ताजमहल में कहीं खो दिया है, जिसके अंदर मेरा एक्स्ट्रा बैटरी, चार्जिंग केबल एंड ऑल था। तो अभी मैं बाहर बैठा हुआ हूँ और बॉबी अंदर गया हुआ है। मुझे जस्ट बाहर आने के बाद बता रहे हैं कि बैग नहीं है हमारे पास। मैंने कहा क्या, फिर मैंने बोला क्या बैग तो तुम्हारे पास था, फिर याद है हाँ क्या वो कहीं पर सेल्फी वेल्फी खींच रहा था। कुछ देर में उसने बैग नीचे रख दिया, उसके बाद उसने कैमरा का बैग खो दिया ना। अभी बड़ा आफत हो गया, विदाउट बैटरी कैसे मैं व्लॉगिंग करूँगा, अपना चार्जिंग कैसे करूँगा, कहाँ पे क्या करूँगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बॉबी आ गया, और लकली मुझे जो मेरा बैग खो गया था वो मेरा बैग मिल गया, और अभी हम लोग खा पी रहे हैं यहाँ पे। ये बॉबी हार्ड ये पूछ रहे थे ना भैया आगरा फोर्ट जाओगे, कितना दो मेंबर बैठो 150 ले 150 आगरा फोर्ट तक का दो मेंबर आपको ही लेके आया इधर से आया। जाएंगे आगरा फोर्ट, और आगरा फोर्ट को हम एक्सप्लोर करेंगे वहाँ से। ये हमने बीच में थोड़ा बहुत खाया,
क्या खाया हम लोग जैकली को? कचौड़ी थी, कचौड़ी थी फिर आलू का सब्जी और पानी की रोटियाँ। बस आज हम फूड एक्सप्लोर करेंगे, फिर कुछ खाएंगे, फिर देखते हैं और क्या क्या ले सकता है। फिर शाम को कोई देखता है नॉलेज खरीदना है तो देंगे। आगरा फोर्ट हम लोग आ चुके हैं और ये पीछे मेरे जो देख रहे हैं ना, ये टिकट घर है। यहाँ से हम लोग अभी टिकट लेंगे, टिकट लेते हैं फिर अंदर की तरफ हम लोग जाते हैं, देखते हैं कैसे क्या होता है। तो अगर आपको लाइन में नहीं खड़ा होना है तो ऐसे यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ना मेरे पीछे, ये जो दिखा ऐसे यहाँ पर स्कैनर कोड है। अब यहाँ पर अपना स्कैन करके आराम से टिकट विकेट ले सकते हैं। कुछ 10 रुपये आपका टैक्स पड़ता है, बाकी तो आप पे कर सकते हैं। वहाँ से विंडो से 40 रुपये कटता है और यहाँ से आपका 10 रुपये पड़ता है। तो इधर भी वही सीन है। अभी इधर भी बोल रहे हैं कि अंदर माइक नहीं अलाउ है और ट्राईपैड नहीं अलाउ है। मैं एक बार ट्राई मारता हूँ, शायद अंदर ले कर चला जाऊँ। अगर नहीं ले जा पाऊँगा तो फिर कुछ कर नहीं सकते हैं, कि माइक और ट्राईपैड मुझे बाहर ही रखना पड़ेगा और हाथ से ही मुझे वीडियो बनाना पड़ेगा। थोड़ा सीख ही होगा वीडियो, अभी मैं क्या करूँ, मजबूरी है, करना ही पड़ेगा। अभी हमारे साथ ट्रेजेडी, हमारा ड्राइवर जमा हो गया हमारा ड्राइवर वापस जमा हो गया यहाँ पे। आप एक बोलूँगा कि आप कभी भी इधर आ रहे हो ना आगरा में और किसी भी अच्छे मॉन्यूमेंट्स में जा रहे हो तो अपना ड्राइवर अपने साथ आप मत रखो, आप नॉर्मल कैमरा लेके जाओ, उसके अंदर स्टेबिलाइजर ऑन कर लो और इंदा सब घूम सकते हो। फिलहाल हमारा ड्राइवर जमा हो गया, माइक बचा हुआ, पता नहीं माइक भी अंदर ना जमा हो जाए मुझे लग रहा है। आगरा फोर्ट के बारे में जितना मुझे पता है मैं उतना आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसको गजनवी ने बोलते हैं कि जब हिंदुस्तान आया था गजनवी ने इसको बनाया था। उसके बाद लोधी आए, लोधी के बाद बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, अकबर और जहांगीर और शाहजहाँ, ये लोग सब आगरा फोर्ट पे रहे। और इवन शाहजहाँ को यहाँ पर कैप्चर ही किया गया था उनके बेटे औरंगजेब के थ्रू। तो और आखिरी में सबसे लास्ट में जो यहाँ पे रूल किया अंग्रेज़ों से आने से पहले वो था मराठा, मराठाओं ने यहाँ पे रूल किया। उसके बाद अंग्रेज़ों ने इसको कैप्चर कर लिया हमारे आगरा फोर्ट को। टिकट दिखाओ, टिकट दिखा दो। ये भाई दो टिकट साइड के क्या लिखा है? 675 के अंदर आपको पूरा फोर्ट घुमा के लेकर आएगा। 400